हमारा जो ब्रेन है ये थ्योरीज को जल्दी से नहीं समझता, एक्शंस को ज़्यादा जल्दी समझता है. इसलिए कहते हैं ना कि ड्रीम्स विदाउट एक्शंस ऑलवेज रिमेन्स ड्रीम, राइट? तो अपने ब्रेन को समझाने के लिए हमें डेली कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव वर्क करना पड़ता है. और इसीलिए जब बात आती है आईएएस के मेंस के ऑप्शनल की, तो सबसे पहले आपको सिलेबस, बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा टिकना होता है. ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज सही है, सिलेबस सही है, लेकिन बुक्स कौन सी पढ़े? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, तो वो कौन कौन सी बुक्स होती है जो कि आपको आईएएस में पढ़ना चाहिए, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं. शॉर्ट वीडियो होगा, सिंपल वीडियो होगा, आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आएंगी. सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट. हे एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल बेसिकली फलीशा. और आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ की सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है यूपीएससी में, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से बुक्स हैं जो कि आप लोग को पढ़ने चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सबसे पहले देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो, सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, और ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है. थोड़े से थ्योरीज आपको समझने होंगे, कुछ कुछ बुक्स आपको पढ़ने होंगे साथ साथ वीडियोस के, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्या है, दैट इज़ इग्नो. ओके, दिस इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट बुक. ये एक बुक मैं दिखा रही हूँ, ये पूरी सीरीज में मिलती है. ओके, तो ये बुक आपको इसकी फोटोकॉपी मिल रही है, कुछ भी जेरोक्स व्हाटएवर, आपको ये चीज़ लेनी है और इसे पढ़ना है. दैट इज़ अमेजिंग बुक, और मेरे ख्याल से काफ़ी आसान भाषा में लिखी हुई है. और इसके साथ साथ मैं बोलूँगी ना, थोड़ी सी एनसीईआरटी जो 11th 12th की है सोशियोलॉजी की, वो बेस बनाने के लिए सही बुक है. और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी हार्ड लग रही है, तो मैं एक बुक जो है आपको रेकमेंड करना चाहूँगी, दैट इज़ या वन थिंग, सी एन शंकर राव की, एस चांद की, सी एन शंकर राव की जो बुक है सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये बुक पढ़ो. ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको, मान लो सोशियोलॉजी में कुछ नहीं आता है, तो फर्स्ट ईयर में पहली बार जब आप ये बुक पढ़ोगे, आपको हर एक एक चीज़ समझ में आएगा. आपको ये समझ में आएगा कि सोशियो और लॉजी का मतलब क्या होता है. सोशियो मतलब सोसाइटी, एंड लॉजी मीन्स द साइंस. ओके, तो साइंस ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशियोलॉजी. ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से समझ में आएगी. बेसिक बुक है, अच्छी बुक है. एनसीईआरटी अगर शुरू में बेस बनाने के लिए नहीं पढ़ पा रहे हो, हार्ड लगती है, ये बुक पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा. चलो, तीसरी चीज़ जो कि मैं आपको बताऊँगी, दैट इज़ महापात्रा सर के नोट्स जो हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक. दिल्ली में मिलती है, फोटोकॉपी मिलती है, अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है ना. तो ये बुक हो सके तो थोड़ी खतरनाक है, बुक नहीं है, जो वहाँ पर पढ़ाते हैं उनके जो नोट्स हैं, बहुत सारे जो रिसोर्सेज से मिला करके वो नोट्स बनाते हैं, वो आप पढ़ सकते हो. ठीक है, एज सच मुझे लाइक ठीक है. ओके, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा. एक दो बार अगर आपने सोशियोलॉजी का पूरा कोर्स खत्म कर लिया है, उसके बाद तीसरी बार में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स पुट अप करते हैं ना, उसके लिए अच्छी है. दैट इज़ नॉट बुक, दैट इज़ नोट्स. नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपको थ्योरीज समझाएंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करेंगे, वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरी. ये देखो, जॉर्ज रिट्ज़र की जो बुक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी की, ये पढ़ो. देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं इसमें से, और आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे एग्जाम में लिखने के लिए, एटलीस्ट तो ये ज़रूर करें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ हर्लम्बस. ये बुक देखो, अंदर से जितनी ये बुक खतरनाक दिखती है, मतलब ऐसी कुछ जिसको देख करके कोई दूर से डर जाए कि यार ये क्यों पढ़े हम, है ना. तो मैं इसको स्टार्टिंग में रेकमेंड नहीं करूँगी, आगे चल के पढ़े आप इसको, है ना. तो ये बुक काफ़ी अच्छी है. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि देखो, जितना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है, आपके दिमाग में कितनी भी चीज़ें रहे, आपको कितना सारा नॉलेज रहे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस. क्योंकि देखो, जो आई एम रियली सॉरी, द एनर्जी इज़ नॉट दैट मच बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है. तो मैं आपको बताऊँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जो हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट एथिक्स एंड ऑप्शनल एंड एसे. तो आप जितना अच्छा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास लोग हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को लिया हुआ है, या फिर जो सोच रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट को लेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इससे आपका ऐसे भी प्रिपेयर हो जाता है ऑलमोस्ट. आप लोग जनरली वुमेंस के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, इनसे रिलेटेड तो ऐसे आएंगे, राइट? तो आप ये ऑलरेडी पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो अपने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में, या फिर पढ़ने वाले हो, तो सबकी तैयारी हो जाती है. पेपर वन, पेपर टू, एवरीथिंग इज़ ईजी. जितना ज़्यादा हो लिखो, लिखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
और लास्ट जो कि मैं रेकमेंड करना चाहूंगी, ये दिख रहा है आप लोग को, दैट इज शिल्पी पब्लिकेशन इलाहाबाद की ये बुक है, दैट इज IAS मेन सोशियोलॉजी। इसमें प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं ना वो सारे दिए हुए हैं, और इतना अगर आपने सॉल्व कर लिए मतलब कि आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी लोगों से मैंने डिस्कस किया है क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, ओके। और ये आपको समझना होगा, और ये सारी बुक्स थी, मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ सोची है कि मैं बनाऊंगी, ओके। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।